What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? It helps in the entry of pollen tube into a synergetic. Correct answer is ka. NCRT mein bhi hai. Dekhe, the synergids have special cellular thickenings at the micropallid tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. Unisexuality of flowers prevents gaitonogamy but not xenogamy. First option is, second is autogamy and gaitonogamy. Third is autogamy but not gaitonogamy. Answer autogamy but not gaitonogamy hoga. क्योंकि जो जीनोगैमी है और गाइटोनोगैमी है दोनों के अंदर ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की नीड होती है. ऑटोगैमी के अंदर बाइसेक्सुअल चाहिए होता है क्योंकि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है. ठीक, यहाँ पर ऑटोगैमी बट नॉट गाइटोनोगैमी करेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन. पॉलन एंजाइम, क्योंकि वो स्पोरोपॉलिन का बना हुआ होता है और नेचर में कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो उसको डिग्रेड कर सके. Male gametes in angiosperms are formed by the division of generative cells to divide होती हैं, तो उससे mitotically division होता है उनके अंदर और दो male gametes बनते हैं, तो इसका जो है generative cell हो जाएगा आंसर. Which one of the following is surrounded by a callous wall? Callous wall होती है microspore mother cell के पास. इसका fourth option सही हो जाएगा. जो PMC होता है, मतलब pollen mother cell, या MMC बोल दो, microspore mother cell, वो callous, उसके ऊपर callous clear होती है. द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट्स ऐसे होता है. चलैजल एंड पे क्या होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, वो तीन होते हैं. और जो एग अपैरेटस होता है माइक्रोपैलर एंड पे, वो भी तीन होते हैं. एक होता है एक्सेल और दो हो जाते हैं उसमें सिनर्जिड्स, और बीच में टू पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3+2, 3+2+3 का अरेंजमेंट हो जाएगा. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका. और साथ ही जो है, मैं चाहूँगी कि आप लोग जब मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें. लाइक करने से YouTube मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो है वीडियोस पहुँचेंगी और मुझे भी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस आएगा. वरना मेरा कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा लगता है यार क्या किसी को पसंद नहीं आ रहा. तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ.